हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन आवर गार्डनिंग चैनल अयोध्या गार्डनिंग। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जब हम नया गमला बनाएं, मिट्टी तैयार करें, तो वो मिट्टी कहाँ से हो। दोस्तों वो अच्छी सबसे मिट्टी होती है तालाब की मिट्टी। तालाब जहाँ सूख गया हो वो वाली मिट्टी अगर उठाएं तो वहाँ की एसिडिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि रेन वाटर वहाँ इकट्ठा हुआ रहता है, उससे हमारे पौधों की बढ़त अच्छी होती है। 99% से ऊपर के पौधे लगभग कह सकते हैं कि एसिडिक सॉयल ही पसंद करते हैं। और अगर पौधों में एसिडिटी कम है तो वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग की उनमें ताकत नहीं रहती दोस्तों। क्यों? क्योंकि फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और फास्फोरस अगर नहीं होगा तो जड़ें और तने मजबूत नहीं होंगी, तो उनमें एनर्जी नहीं स्टोर होगी और वो अल्टीमेटली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं करेंगे। तो पसंदीदा मिट्टी हमारी तालाब की होना चाहिए अगर मिल जाए तो। थैंक यू दोस्तों।